दुकान तो बंद है। नमस्ते पापा। देखो को सारा मारिया। तो मुझे बचाओ सुनाया, मुझे मार रही है। अरे हमें एसी का सुकून कहाँ पसंद है। अच्छी लग रही है, ये प्लास्टिक के सही है, पॉकेट भी है, एक फोन भी आ जाएगा। कुर्ते देखे जा रहे हैं आप, लाए खुद के लिए दिखाई उनको जा रहे हो। हाय YouTube फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, अभी सुबह तैयार हो चुकी है, नहा लिया है और आज ये कुर्ती मैंने फर्स्ट टाइम वेयर की है। कैसी लग रही है बताइएगा ज़रा कमेंट्स करके। तो जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, कुछ कपड़े कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे हम मन्नू के लिए, भाभी जी के लिए और बड़े भाई साहब के लिए। तो जो मैंने कुर्ती गिफ्ट की थी भाभी को, वो तो भाभी को मतलब पसंद तो दोनों ही ड्रेसेस आई थी, लेकिन मेरी वाली कुर्ती बहुत परफेक्ट आई है उनके पहनने में। लेकिन जो मम्मी ने गिफ्ट किया था वो बाजू से थोड़ी सी टाइट हो रही है, तो अभी एक्सचेंज करवाने के लिए जा रहे हैं हम शॉप में। तो अभी भाभी जी भी तैयार हो चुकी हैं साइड पर्स टांग के। आज हमने मैचिंग की है दोनों ने। और ये सूट है जो भी वापस करने के लिए जा रहे हैं, इसकी तह की जा रही है। वैसे देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा था, मेरे को उसकी जैकेट बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने मम्मी को वहीं बोल दिया था कि मम्मी साइज मेरे को नहीं लग रहा सही करके, मम्मी नहीं मानी मेरी। मन्नू का भी यहाँ पर चल रहा है मोगली। वीर भैया कर रहे हैं भाभी जी से बात, भाभी जी आने वाली है थोड़ी देर में। आज पूरा परिवार भट्ट परिवार इकट्ठा होने वाला है। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। सब नहा धोकर तैयार है, सबने नाश्ता कर लिया, वो सुबह आपने भैया के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। अभी भाभी और मैं निकलने लगे हैं घर से, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, सेम से लग रहे हैं हम। चलिए चलो चलो चलिए। पापा ने अभी 12 बजे ड्यूटी जाना था तो फटाफट स्कूटरी लेके तो हम ऐसे निकले ना, दिमाग में ही नहीं रहा कि आज संडे है, दुकान तो बंद है। अब कल को दोबारा आना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं घर वापस। चले बस भूतनाथ फिल्म देखी जा रही है यहाँ पर। भैया हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं, अपना फोन चला रहे हैं और वापस आ गए हैं। पानी की बोतल खोल ली गई है क्योंकि गर्मी से हाल बेहाल है। ये अच्छा, ये भी होता है। अगेन से। नमस्ते पापा। यहाँ पर मनु को नहलाया जा रहा है। मनु पानी गर्म है ठंडा है? ठंडा। मनु नहीं नहीं कल के आ गया। देखो सारा मारिया। यहाँ पर पिताजी नाश्ता कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होगे सुबह से मम्मा नहीं दिखाई दे रहे व्लॉग में, ये कैसे हो गया। एक्चुअली मम्मी गए हुए हैं, यहाँ हमारे घर के बगल में ही पाठ है सुखमनी साहब का, तो वहाँ पे गए हुए हैं हम घर पे। पापा को भी नाश्ता भी करवाना था, फिर भाभी का कुर्ता चेंज करना था, उस चक्कर में फिर ना भाभी गए ना मैं गई। तो अभी थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगी, फिर मिलवाती हूँ आपको मम्मी से। पिताजी तैयार हो गए अभी ड्यूटी में जाने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ताई जी से मिले, जाओ मिलो। इधर के बंद करके हाँ उधर ही जा रहे हैं भैया। भैया ये दोनों मेरी पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं। हमने प्लान बनाया था, हम दोनों का ही प्लान था घोड़ा बनाने में। मैं यहाँ पर व्लॉग एडिट कर रही हूँ और ये दोनों ये काम कर रहे हैं मेरी पीठ पे बैठ के, देखो इनको। और ये हम दोनों ने ये सब किया है। ये मेरी फ्रेंड है। जाए, मैं तो इतनी थी वहाँ सुखमनी साहब के पाठ में गए थे। जाए कैसा रहा? बढ़िया। जा खा जा। आए हाय खुशी की लहर। खाने में क्या है? खाने में क्या है? ग्रीस सोता सोता उठ रहा है। क्या चिट्टे सोडे? हाँ पूरी बस बेटा, खीर भी मीठा लग रहा है ना। अब उधर चलेंगे। घर में क्या बनाया है? क्या बनाया? तेरे को पता नहीं छोटे भाभी घर में आई है? दो बबुआ दो बेटिया पोता। अच्छा बेटी आ तो मैं तो खाऊंगी होके खाऊंगी। आज मम्मी ने तो रख लिए पाँव बेड के ऊपर। मैंने पिलाया ग्रीश को क्रेडिट चाहिए।
मन्नू के चोट लग गई। ये दीदी ढंग के साथ नहीं रह सकती क्या? सनाया यहाँ पर पिस्तौल लेकर तैयार बैठी है, डोडो निशाने पर है, मन्नू ने डोडो को पकड़ रखा है। राक्षस डोडो। मन्नू मुझे बचाओ, सनाया मुझे मार रही है, ये मुझे गोली मार देगी। मन्नू बचाओ, मन्नू बचाओ। ये तो होना ही था, क्योंकि आज घर में छोटी बहू आई है तो राजमा चावल बने हैं एज ऑलवेज। मम्मी तो लंगर खा के आई है, मम्मा नहीं खाएंगी, तो हम सब अभी खा रहे हैं। मन्नू लगा हुआ फ़ोन पे, मम्मी सो रही हैं। सो रहे हो, जाग रहे हो? नहीं नहीं, सो रही है मम्मी। मन्नू फ़ोन पे लगा हुआ है, यहाँ पर वेब सीरीज़ देखी जा रही है। यहाँ पर बड़े भाई साहब भी देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हो? मूवी देख रहे हैं। ये मूवी देख रहे हैं और सिजुका सो रही है। एक बार फिर से भाभी जी और मैं निकल गए हैं घर से शॉपिंग करने के लिए, सेम सेम बन के, सेम सेम कुर्ते हमारे, सेम सेम साइड बैग, सेम सेम हमारी गॉगल्स। और छोटी भाभी मम्मी को पूछा था, मम्मी तो अभी रेस्ट कर रही हैं, आपने देखा छोटी भाभी से वेब सीरीज़ देख रही हैं कोई भैया के साथ, तो उन्होंने मना कर दिया जाने से। लेकिन अब हम तो ऐसे ठहरे, हमें एसी का सुकून कहाँ पसंद है, हमें तो धूप अच्छी लगती है। तो अब ये है कि क्या पता इस हफ्ते के अंदर ही मैं वापस चली जाऊँ, और फिर दोबारा संडे आए ना आए, हम साथ में हो ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा एडवांस में चल रहे हैं हम लोग। देखते हैं क्या क्या सामान मिलेगा, क्या क्या लेके आएंगे, जो भी होगा जैसे भी होगा दिखाते रहेंगे आपको व्लॉग में। अभी तो फिलहाल तो ऑटो मिल जाए इतना ही काफ़ी है। फाटक लगे होने की वजह से हमें काफ़ी पीछे उतरना पड़ा। अब देखते हैं आगे, हमें जाना है अदालत बाज़ार। स्कूटी पे तो बहुत इजी रहता है यार, अब ऑटो में देखते हैं, बुकिंग करवा के जाना पड़ेगा। एक काम अच्छा हो गया, हमें ई रिक्शा मिल गया, ई रिक्शा बुक करवा लिया। अभी आराम से फुले डुले बैठ के जा रहे हैं। एक पूरी सीट पे मैं बैठी हुई हूँ, वहाँ सामने भाभी जी बैठी हुई है। और फिर भाभी कैसा लग रहा है? कौन जाए पहले, मज़ा आ रहा है, मज़ा। शॉपिंग करने जा रहे हैं, पैसे की ज़रूरत तो होगी, तो इसलिए अभी आए हैं एटीएम में पैसा निकलवाने के लिए। पैसा अभी पैसा निकालेंगे, फिर पैसा फूकेंगे। ये पैसा मेरी। खास अपने आप को दोहरा रहा है, लास्ट टाइम भी जब हम आए थे सबसे पहले आते ही नारियल ही लिए थे हमने। ऐसे ही दे दो खाने के लिए जी अंकल, थैंक यू। नारियल खाते खाते बाजार में एंट्री। नारियल भी खाया जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इतने में जीरा सोडा दिख गया है, तो अभी ये पीने लगे हैं। आपका नारियल खत्म हो गया? जीरा लेमन ये कुर्तों के बीच में ही घुस घुस के देखा जा रहा है बिल्कुल। भाभी की नजर ना या तो येलो पे रुकती है या ग्रीन पे रुकती है बस। और एंड में मैं तुम्हें दिखाऊंगी भाभी सारा, देख मैं येलो ग्रीन इस रेड़ के लेके जाएंगी। अभी रास्ते में जाते जाते चटपटी चीज़ों का खजाना मिला है, और थोड़ी सी यहाँ पे ली जा रही है मीठी वाली इमली। अनस्टिच सूट देखे जा रहे हैं। भाभी ने की शॉपिंग की शुरुआत,
ले लिया है एक अनस्टिच सूट सूट ही सूट सूट ही सूट। भाभी एक बार फिर से यहाँ पे सूट देखने लग गई हैं। वहाँ सामने गणपति महाराज जी की सवारी आ रही है। गणपति बप्पा सूट। भाभी ने आज मार्केट के सारे सूट खरीद लेने हैं। नाइट सूट कौन सा सही है? पॉकेट भी है, फोन भी आ जाएगा। हाँ ये कर दो। पहले इस जगह पे ना हमारा एक पिज़्ज़ा वाला भैया खड़ा हुआ करता था। हर बार हम जब आते थे पिज़्ज़ा खा के जाते थे उनसे, लेकिन आज वो यहाँ पर खड़े नहीं है। कल से गिरीश हज़ार बार चिढ़ा चुका है हमें, हाँ हाँ तुम तो घूमने जाओगे, पिज़्ज़ा खा के आओगे, पिज़्ज़ा खा के आओगे। ऐसी टोक लगी, पिज़्ज़ा वाला नहीं खड़ा यहाँ पे। हाँ हो सकता है दुकान ना चली हो बेचारे की। वैसे दो तीन साल तो खाया हमने उससे। क्या चीज़? मंगलसूत्र पर निगाह अटक गई है भाभी की। मंगलसूत्रों का रंग उतरा हुआ था तो वो रिजेक्ट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे दिए हैं? चूड़ियों का खजाना। अच्छी लग रही है, ये प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक है। हाँ सीट है। अच्छी लग रही है ये वाली। कैसे चूड़ी? 50 से 6 पीस। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देखे जा रहे हैं अभी। ये स्कर्ट प्यारी लग रही है मेरे को बस। भाभी एक बार फिर से यहाँ पर सूट देख रही हैं और मुझे यहाँ पर सोफ्टी की दिख गई है शॉप, मतलब सोफ्टी लेते हैं। बिन जी के पत्ते टटोले जा रहे हैं अभी। वाह क्या स्पीड है वाह। इतने डब्बे खुलवा लिए हैं, पसंद ही नहीं आ रहा है बिंदी का डिजाइन। यही वाला अच्छा लग रहा है। आप लोग? भाभी जी मना कर रही थी फिर भी दो ले लिए। सूट ही सूट सूट ही सूट सूट ही सूट। कुर्ते देखे जा रहे हैं यहाँ पर, कुर्ते फिर पीले पे नजर, फिर हरे पे नजर। तो भाभी क्या आप खुश हैं शॉपिंग से? अभी तो बस थोड़ा बहुत सामान लिया, बाकी खाने पे जोर है। और अभी भी हम यहाँ पे इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे कुलचे बन रहे हैं। छोटे से तवे पे बनता हुआ गर्मा गर्म कुलचा। ये भैया बच्चों की कॉपी किताब फाड़ के लाया मुझे लग रहा है ना। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुलचा कैसा लग रहा है? तो गाइस काफ़ी देर से हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी बैठे हैं यहाँ पे। हमने शोरूम से एक ड्रेस सेलेक्ट की है भाभी के लिए करवा चौथ के लिए। मैं भी देख रही थी लेकिन मुझे कुछ खास वहाँ पे पसंद ही नहीं आया, बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी, मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा था देख के। तो सामने वो शोरूम है, यहाँ पर उनका स्टोर रूम है, काफ़ी सारा सामान यहाँ पर भी रखा हुआ है उन्होंने। तो अभी पहन के ट्राई किया था, थोड़ा सा खुलवाया है वो, स्टिच होके आएगा, तब तक हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी लेट होने वाला है आज, और भाभी यहाँ पर पैसे गिन रही हैं। जेब हल्की होने वाली है। शाम के बज चुके हैं तकरीबन 6, जस्ट अभी हमें ड्रेस मिली है, गला सूख रहा है तो आ गए यहाँ पे पत्ता देने के लिए। बस वही बात होगी पिछली बार भी। फूड व्लॉग ही बन गया था हमारा, शॉपिंग व्लॉग बनाते बनाते आज भी वही कुछ हो रहा है।
चेस खाली ग्लास के साथ। जाते जाते अभी बेलपुरी दिख गई तो बेलपुरी भी खाने लग गए यहाँ पे खड़े होके। आप में से किसी को भेलपूरी खानी है? किसी को नहीं खानी, कोई बात नहीं, हम ही खा लेते हैं। मैडम जी एक बार फिर से सूट्स के पास आ गई हैं, पर भाभी के लिए सूट लिया जा रहा है अभी यहाँ पे। पेंट वाला सूट है, कलर बहुत मस्त लगा इसका। देवरानी जी और सासू माँ के लिए अपनी बिंदियाँ ढूंढती हुई बहुरानी। चुनिया देख रहे हैं अभी यहाँ पे। हाँ देखो, जितनी मर्जी देखो, चुनिया बहुत बढ़िया बनी है। हाँ सही है, दे दो। और यहाँ बगल में ही मंदिर है। हरिओम नमः शिवाय नमः। दोपहर के तकरीबन 2 बजे घर से निकले थे हम, अभी 7:15 हो चुके हैं और अभी तक हमारी शॉपिंग जारी है। जिस समय मार्केट में आए थे ना उस समय भाभी जी कह रही थी कि आज रश नहीं है। मैं आपसे पहले बोल रही थी ना जैसे शाम होगी वैसे ही देखना रश, अब होली होली ऐसा होने वाला है यहाँ भगदड़ के, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा से अभी मिल गया ई रिक्शा, बैठ गए ई रिक्शा में, निकल गए हैं यहाँ से। अभी रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट में। फिर क्या हाल चाल है, पसीने भीग चुके हैं, बुरे हाल हो रहे हैं, थकान हो गई बहुत ज़्यादा चल चल के। बस स्टैंड के बैक साइड पे उतारा है हमें ई रिक्शा वाले भैया ने, तो अभी यहाँ से पैदल चल के जाना है। फ़ोन का बैक कवर देखा अभी हमने रास्ते में, एक शॉप देखी लेकिन मुझे पसंद नहीं आया वहाँ पे, वो पहले ऑलरेडी मेरे पास है कवर, ये जो ट्रांसपेरेंट कवर में मैंने लगाया हुआ है आईफोन के बैक साइड पर, ये ना बिल्कुल ऐसे काला पीला नीला हरा हो गया क्योंकि हल्दी वल्दी के हाथ ही वो लगते रहते हैं, खाना बनाते समय ब्लॉगिंग चलती रहती है मेरी, तो उस चक्कर में ये बहुत गंदा हो चुका है, तो मुझे अभी इसे चेंज करना है। देखते हैं अगर कहीं और शॉप मिली, अगर कुछ अच्छा मिल गया तो। हमारी शॉपिंग, हमारी शॉपिंग। हमारे जस्ट सामने से भी गुजर के जा रही है ट्रेन, बाय बाय ट्रेन। चरण 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 चरण। उस साइड है ऑटो स्टैंड, वहां से मिलेगा अब हमें ऑटो। टाइम शाम के 7:20 हो चुका है, अभी हम बस स्टैंड पे ही हैं। ये अंधेरे में भाभी जी बैठी हुई है जब दिखाई भी नहीं दे रही, और पसीने से बुरे हाल है। जब तक ये ऑटो भरेगा नहीं तब तक ये ऑटो चलेगा नहीं, वेट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। टाइम हो रहा है 7:40, पहली बार इतिहास में हुआ है कि हम इतनी लेट घर वापस आ रहे हैं शॉपिंग करके। अभी देखते हैं घर वालों के क्या रिएक्शन होने वाले हैं, पता नहीं गालियाँ पड़ेंगी या नॉर्मली बैठे होंगे, घर जाके पता लगेगा। घर वापस आ गए और आते पानी पिया जा रहा है, घर का माहौल बिल्कुल सेट है। और मनुली क्या कर रही हो? अबे तू इतना आगे पहुंच गया, देख ना रेस में रेस शुरू नहीं हुई भाई, ये पहले आगे पहुंच गया इतने। मनु चीटिंग, वो भी पापा के साथ, वाह। चलो अभी स्टार्ट, तू डे प्रिंटेड सूट पहनने के लिए, आपके लिए भैया को पहन लेना। अभी भाभी सामान दिखा रही हैं, क्या क्या सामान लेके आए हैं। भाभी भरी रहती है जब वहाँ से आती है ना, तो ये पूरा मतलब कि यहाँ पे आके अपना निकालते हैं जो जो लेना होता है। ये क्या लाए हो? लाए खुद के लिए हो, दिखाई उनको जा रहे हो, उनके लिए कुछ लाए हो? नहीं, हमें दूसरों का सामान खुशी रहती है, हम दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं। दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं, ये भी लग गया। पिताजी भी देख रहे हैं यहाँ पर जो शॉपिंग करके लाए हैं हम, अभी ड्यूटी से आया थोड़ी देर पहले ही। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के कान में खुसर कर रहे हैं डिस्कशन। तुम तो जैसे करते नहीं हो। हम करते नहीं है, सच में ही नहीं करते हम तो। करना चाहिए लेकिन हम अनोखे हैं। करवा चौथ का गिफ्ट मम्मी का देखो, ऐसे बोलते पापा की मेरे को कोई कुछ नहीं देता।
पापा आप अगले जन्म में सास बनना, आपको भी सूट मिलेगा करवा चौथ का। इस जन्म में तो आप पापा हो गए ना। राज भाई ये मम्मी ऐसे दिखा रही है मेडल मिल रहा होता। ये 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 कड़े हैं। हाँ चूड़ियां तो भी अलग से ली हैं। अच्छा। ये कड़े आगे पीछे पहनने के लिए, सेंटर में पहनने के लिए सेट है पूरा। अच्छा। ये कांच की चूड़ियां अलग से ली हैं। और यानी कांच की चूड़ियां दी जाती है स्वागत को। इसे 100 रुपए भी है। सूट की खुशी नहीं हो रही मम्मी को, 100 रुपए की हो रही है। पापा से परमिशन लेके जा रहा है। छोटा तो भैया भी और कृषि भी ऐसे करते थे, परमिशन लेके जाते थे मम्मी से ना, मम्मी वॉशरूम जाए, मम्मी देखिए हाँ सो जाएंगे मम्मी। हाँ मनु भी तो ऐसे कर रहा है भैया को। ये प्रिंट देख रही कितना प्यारा है इसका। अभी यहाँ पर मम्मी अपने सूटों का ढेर लेकर बैठी हुई है जो स्टिच करने के लिए देने हैं। अभी भाभी ने भी अपनी सूट स्टिच करवाना है तो यहाँ पर अभी हमारी डिस्कशन चल रही है। गिशी भाभी और मनु गए हुए हैं बाहर घूमी शुमी करने के लिए, वो आपने गिशी के ब्लॉग में या भाभी के ब्लॉग में देख लिया होगा। सिजु को रिसो में बैठी है कर रही है। पापा पल भर चले गए सोने के लिए, तो फिलहाल ये सब हमारे घर के जो मेंबर्स हैं उनकी ये कार्य शैली अभी चल रही है। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और आज की हमारी शॉपिंग को आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। लेकिन हमने तो कुछ खास खरीदा नहीं, मम्मी और भाभी के लिए, छोटी भाभी के लिए कपड़े लिए और थोड़े दो सूट भाभी ने लिए हैं और एक करवा चौथ की ड्रेस ली है। मैंने दो स्लैक्स, दो चुन्नी लिए, दो टॉप लिए, दैट्स इट। और कुछ खास हमने शॉपिंग नहीं की। हर बार तो हम काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं लेकिन इस बार हमने पसंद ही नहीं आया कुछ, है ना, पसंद ही नहीं आया कुछ हमें कुछ खास। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को, मम्मी इधर ध्यान दो, बोलो जल्दी से, लाइक शेयर सरप्राइज कर दे, सरप्राइज कर देना। दादा बोलना, लाइक शेयर सरप्राइज कर। बड़ी भाभी कहाँ गई, बड़ी भाभी से बुलवाती हूँ, रुको भाभी बोलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाभी ने सही बोला। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए और देखती रहिए भैया की लाडली बहना का चैनल। आइए आहा आहा।